हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस। एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, 3 स्पून तेल डालेंगे और थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम 2 चिल्ली हरा मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा शिमला मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा कैरेट डालेंगे। अभी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हल्का सा ब्राउन हो गया। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा 1/2 स्पून हल्दी पाउडर अभी हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिल्ली सॉस 1/2 स्पून अभी हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस 1/2 स्पून अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे सेजवान चटनी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रहे। आपको स्वाद अनुसार कितना राइस के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं चावल पहले ही बना के ठंडा होने के लिए रखे थे। अभी चावल ठंडा होने के बाद ही हमारा सेजवान राइस अच्छा बनता है, गरम चावल में उतना अच्छा नहीं बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा सेजवान चटनी डालने के बाद ऑयल छोड़ने लगा। अभी हम चावल मिक्स कर लेंगे। अभी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी हम अच्छे मिक्स कर लेंगे चावल को। बहुत ही इजी है बनाने का। 10 मिनट में हमारा सेजवान राइस बन जाता है और अच्छे से टेस्ट भी आता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा सेजवान फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गया। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कट करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्ट बन गया। 10 मिनट में आराम से बना सकते हो। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद।